नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। शिक्षा समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे शिक्षित हों और शिक्षित होकर कोई बड़े अधिकारी बने या बड़ा काम करें, बड़ा नाम कमाएं। लेकिन यदि शिक्षा की वजह से किसी को प्रताड़ना झेलनी पड़े तो भला इस समाज का क्या होगा। यदि शिक्षा की वजह से किसी को मौत को गले लगाना पड़े तो भला इस समाज का क्या होगा। जी हाँ, गाजीपुर के दिलदार नगर में कुछ ऐसी ही घटना घटी है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया है, वो भी केवल इस वजह से क्योंकि उसे परीक्षा नहीं देने दिया गया। ये आरोप गंभीर है और परिवार पर टूटा ये गम का पहाड़ इन आरोपों को और गंभीर बना रहा है। अब तक समाज के सामने एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी कि कैसे बच्चियों को शिक्षा दी जाए, बेटियों को शिक्षित किया जाए, कैसे बेटियों को स्कूल भेजा जाए। सरकार ने भी कई सारी मुहिम चलाई कि बेटियों को शिक्षा मिल सके। और जब एक बेटी शिक्षित हो जाती है या शिक्षा ग्रहण करने जाती है या शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि परीक्षा ना देने की वजह से उसे मौत को गले लगाना पड़ता है। और वो परीक्षा क्यों नहीं दे पाई, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसने अपने कॉलेज में फीस जमा नहीं की थी या इसके पीछे का कारण कुछ और है? आरोप कई हैं, लेकिन सबसे गंभीर आरोप यही है कि कॉलेज में उस बच्ची ने फीस नहीं जमा किया था जिसके वजह से उसे प्रवेश पत्र नहीं दिया गया और जब वो परीक्षा में बैठी तो उसे वहां से उठा दिया गया। उसने निवेदन किया लेकिन उसके निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। वो घर गई, परेशान थी, रात को खाना खाया और मौत को गले लगा लिया। दिलदार नगर कस्बा के वार्ड नंबर 10 में रहने वाली बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा खुशबू गुप्ता उसिया के बसीर खां महिला महाविद्यालय में परीक्षा देने गई थी। एक सोशल यही है कि उसको घसीटा गया, जलील किया गया और वो चिल्लाती रही कि उसे पेपर देने दीजिए, उसका साल बर्बाद हो जाए। खुशबू के परिजनों ने कॉलेज के प्रबंधक और कर्मचारियों पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजन गुप्ता है। आप जो है मृतिका का क्या लगेंगे? ढाई लगेंगे। क्या मामला है बाबू? पूरा मामला ये है कि वो कॉलेज से जब आई घर पे तो मुझे पता चला कि उसको कॉलेज से निकाल दिए हैं, पेपर देने नहीं दिए हैं। बोले कि फीस जमा करोगी तभी पेपर देने देंगे। फिर रो रो के बोल रही थी कि वो लोग निकाल दिए, मुझे गाली दिए, बहसबाजी भी हुआ है और पेपर में 30 मिनट बचे थे तब उसको पेपर लिखने के लिए दिया गया है। तो उस 30 मिनट में क्या लिखी थी? और उस वजह से रोते रोते वहाँ से 3 किलोमीटर से कॉलेज से पैदल यहाँ पे आई और घर पे रो रो के कह रही थी कि स्कूल वाले कॉलेज वाले मुझे पेपर लिखने नहीं दिए, मेरे से पैसा मांग रहे थे वरना कुछ वरना मैं जो कहूँगा वो करो, यही सब बोल रहे। फिर क्या? खुशबू एक भाई और 3 बहनों में सबसे छोटी थी और पढ़ने में भी होनहार थी। खुशबू के घर वालों की समस्याएं यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। खुशबू जब मंगलवार की रात 12 बजे अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी तो उसके स्वजन उसे देखने के लिए पहुंचे। खुशबू की हालत खराब थी। उसके स्वजनों का कहना था कि उसके मुंह से गांजा आ रहा था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी हुई लेकिन दुर्भाग्य शायद वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकी। मुंह से गाज भी शायद थोड़ा बहुत निकल रहा था। फिर वहाँ से हम उसको उठाए, पूछे उससे तो मम्मी मेरी बोली कि उसको लगता है ठंडा लग गया है। मुझे ऐसा शंका हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो वहीं से तत्काल से अपने अम्मा और मेरे छोटे भाई समीर दोनों लोग टांग के और बगल के साथ अंकल जी हैं सदानंद अंकल, उनके साथ उनको हॉस्पिटल ले गए। तो फातिमा वाले बोले कि डॉक्टर नहीं है। फिर वहाँ से शाश्वत में ले गए तो वहाँ पे 15 मिनट रखे, फिर बोले कि ये सीरियस हालत हो जाएगा, आप इसको कहीं और दिखा लीजिए। फिर वहाँ से हम लोग लेके गए जेके मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद वो लोग भी प्रक्रिया किए, फिर वो लोग भी बोले कि आप इसको बड़े हॉस्पिटल में लीजिए। तो रात के समय में गाड़ी गोला मिला नहीं,
108 पे मैंने कॉल भी किया तो वो लोग बोले भदौरा फाटक पे अटके हुए हैं, भदौरा फाटक पे से निकल रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं उतना देर तक हम लोग वेट ना करके तत्काल ऑटो को किए, ऑटो लेके गए गाजीपुर। और गाजीपुर सिंह हॉस्पिटल के आस पास पहुँचने के बाद डॉक्टर को दिखाए, वो बाहरी से बोल दिए कि आप ले जाइए इसको सर अब ये, और FIR भी कर कापी दे दिए। अच्छा, अभी तो कुछ हुआ नहीं? अभी कुछ हुआ नहीं है, हमारी यही चाह है कि DM साहब आए फिर आगे कार्रवाई हो। और हम लोग FIR दिए हैं तो प्रशासन को चाहिए चुस्त दुस्त की जाकर वहाँ पे कॉलेज को बंद करना चाहिए, उसको धरना पकड़ना चाहिए। ये सब नहीं हो पा रहा है, शांति है, सब प्रशासन जो है बैठी हुई है, चाय पी रही है, घूम रही है। हम योगी जी से चाहते हैं कि हमारी ये सूचना जाए योगी जी के पास, हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई हो और उसको जो है कि घर दबोचा जाए, कि किसी और के ऊपर ये अत्याचार न करे टीचर फिर किसी बच्चे पे या बच्चियों पे। आज ये मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ कल हो सकता है। इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्रबंधक गुलाम मजहर खान ने भी अपना पक्ष रखा है। एक दैनिक समाचार पत्र में उनका बयान छपा है, लिखा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान प्रबंधक को कॉलेज में जाने की अनुमति नहीं होती है, फीस को लेकर अपमानित करने का आरोप बेबुनियाद है। उसी कॉलेज ने एडमिट कार्ड जारी किया, छात्रा ने 14 फरवरी को 3 घंटे की परीक्षा दी है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रागिनी गुप्ता है। क्या है पूरी मामला? पूरा मामला यही है कि मेरी बहन जब परीक्षा देने गई थी 10-15 मिनट हुआ था। कौन सी विद्यालय में? बीटी महामहिला विद्यालय। जी, क्या हुआ मामला? वो वहाँ पेपर देने गई थी, पेपर मिला भी उसे, उसने एक दो पेज लिखा होगा या नहीं लिखा होगा मुझे ये नहीं पता। फिर कोई टीचर आई, उसे उठाई फीस के लिए, और उसने बोला भी था मेरी बहन ने, क्योंकि मैंने खुद ही बात किया था वहाँ के टीचरों से कि मैं फीस दे दूँगी उसका, बट उन टीचरों ने बोला था ठीक है पेपर दिला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरी बहन गई वहाँ पेपर देने, वहाँ की टीचर जिसको जो मेरी बहन को 1000 बच्चों के बीच में उठा के उसे बहुत भला बुरा बोला, उसे क्लास से निकाल दिया। कौन? टीचर का नाम नहीं पता मुझे। उसके साथ एक और लड़की भी आई थी, मेरी बहन ने मुझे बताया था, उसके साथ एक और लड़की भी आई थी, उसे भी निकाला था, बट वो उसको अंदर ले लिए थे, बट उसको 10 मिनट के बाद अंदर ले लिए थे। अच्छा, ये अमर उजाला में जो है आया था अभी कि शारीरिक शोषण, ये कहाँ तक क्या है? शारीरिक शोषण यही है कि उसको घसीटा गया, जलील किया गया। उसके साथ एक और लड़की थी, उसको कुछ भी नहीं बोला गया, उसे बस 5 मिनट के लिए निकाला गया, और वो चिल्लाती रही कि उसे पेपर देने दीजिए, उसका साल बर्बाद हो जाए। इस साल का पहला पेपर भी वो नहीं दे पाई क्योंकि उसे एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं मिला, ना स्कूल वालों ने एक भी बार इन्फॉर्मेशन दिया कि उसका पेपर हुआ कि पेपर दे। स्कूल वालों का फर्ज बनता है कि उनके एक भी बच्चे का पेपर ना छूटे, वो आके पेपर दे पूरा का पूरा। क्या चाहती है न्याय के लिए? बस यही चाहती हूँ कि उसको न्याय मिल जाए। अब तक कहाँ तक प्रक्रिया पड़ा? अभी तक इतना ही हुआ है कि उसके साथ FIR दर्ज कराया गया है, और ना ही टीचरों का कुछ अता पता है, ना ही पुलिस कुछ कर रहा है। पुलिस प्रशासन से अब तक क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी तक यही हुआ है कि बस FIR ही दर्ज हुआ है, उन्होंने बोला है इंसाफ मिलेगा, बट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता। उसका पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है, ना ही ये पता चला है कि क्या कारण है। अब इस मामले में FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी क्योंकि वो एक डिग्री कॉलेज है, और बताया जा रहा है कि वो डिग्री कॉलेज किसी मामूली इंसान का नहीं है, वो इंसान भी काफी मजबूत है। तो चुनौती यहाँ पर समानता और असमानता के बीच की है, जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आम दिनों में हमने कई खबरें देखी हैं कि किस तरह से हमारे समाज में असमानता बढ़ती जा रही है, जो मजबूत है वो कमजोर को सता रहा है। अब शायद इस मामले में कहीं इस परिवार को ऐसा ही दंश ना झेलना पड़े। उम्मीद है कि कानून अपना कार्य करेगा और परिजनों को न्याय मिलेगा।